मंच पर उपस्थित झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय जी और भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेता जिन्होंने समग्र झारखंड चुनाव की कमान संभाली है, ऐसे देश के कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, मुख्यमंत्री असम श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी और आज इनके नेतृत्व में बैठे हुआ झारखंड भारतीय जनता पार्टी का स्वतंत्र समग्र नेतृत्वगण और आए हुए सभी पत्रकार छायाकार भाइयों बहनों, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं झारखंड की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं और यहां विराजमान बाबा बैद्यनाथ को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, पराक्रमी योद्धा बाबा तिलका मांझी, सिद्धो कान्हो, देवी फूलो जानो, ये सभी देश के वीर नायकों को नमन करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। बेरोजगारी से त्रस्त युवा, पेपर लीक से त्रस्त युवा आज भाजपा में आशा की दृष्टि से अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं और भ्रष्टाचार से गरीबों का विकास का धन अपने चेले चपाटों में बांटने वाली सरकार की जगह गरीब कल्याण करने वाली सरकार को भी झारखंड की जनता ढूंढ रही है। और भाइयों बहनों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज एक चुनावी संकल्प पत्र लेकर आई है। जब मैं संकल्प पत्रक शब्द का प्रयोग करता हूं तब भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और इसलिए हमारे संकल्प पत्र को झारखंड की जनता, विशेषकर पिछड़ा वर्ग, गरीब, आदिवासी, दलित और शहर के लोग बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ इसकी राह देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में उनकी उम्मीदों की आशाओं का प्रतिघोष हो और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों झारखंड वासियों से चर्चा कर इस संकल्प पत्र की रचना की है। इस संकल्प पत्र केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, करोड़ों झारखंड वासियों की आशा और उम्मीदों का प्रतिघोष है। करोड़ों झारखंड वासी जो अपनी धरोहर की सुरक्षा करने के लिए कृत निश्चयी है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प में है। कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत करने की इनकी जो इच्छा है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में है। गरीब कल्याण, इसका प्रतिघोष
इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है और देश की सीमाओं की सुरक्षा और आदिवासियों की भूमि बेटी और रोटी की सुरक्षा इसका भी प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। जैसे ही अभी थोड़े समय पर आप स्क्रीन पर देख रहे थे झारखंड को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था और झारखंड को संवारने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। परंतु 5 साल पहले यहां पर एक हेमंत सोरेन की सरकार आई जिसने मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से शुरू की हुई सारी विकास की योजनाओं को ठप कर कर रख दिया और आज भारतीय जनता पार्टी फिर से एक नई उम्मीद के साथ झारखंड की जनता के पास जा रहे हैं हम कि हम झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे, हम झारखंड की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार का संपूर्ण उन्मूलन करेंगे और विकास के रास्ते पर झारखंड को द्रुत गति से बढ़ाना चाहेंगे। आज मैं यहां आया हूं तब मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी माटी रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ गई। हमने झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत जो भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू की देश की सुरक्षा की, इसको माटी रोटी बेटी के साथ आदिवासी सम्मान के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। 15 नवंबर को मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का हमेशा के लिए निर्णय किया और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को पूरा देश आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाएगा। समाज के पिछड़े वर्ग को भी हमने सम्मानित करने का काम किया है। अब तक काका साहेब कालेलकर कमीशन से लेकर मंडल आयोग कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी रही, इन्होंने कभी भी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए कुछ नहीं किया, पिछड़ा वर्ग के सम्मान के लिए नहीं किया। मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक सम्मान देने का काम पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर करा। केंद्र सरकार की सभी शिक्षा की प्रणालियों में पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण सुनिश्चित कर पिछड़ा वर्ग को सम्मान देने का काम किया और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए अनेक सारी योजनाएं बढ़ाई। आज पहली बार देश में गौरव के साथ एक गरीब आदिवासी घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू संथाल की ही बिटिया आज देश के आदिवासी पहले राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त की है। द्रौपदी जी झारखंड की ही राज्यपाल हुआ करती थी और पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने का उनको गौरव भी मिला है। मोदी सरकार ने झारखंड के विकास के लिए सरकार चाहे किसी की भी रही हो मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। अभी अभी हेमंत जी का एक भाषण देखकर मुझे हंसी आती थी, वो मोदी जी से 1,00,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे थे। हेमंत बाबू मैं हिसाब लेकर आया हूं, अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिएगा। जिस कांग्रेस की गोदी में आप बैठे, जिस लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे, यूपीए की सरकार थी 2004 से 14 तक, यूपीए सरकार ने
डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड के माध्यम से झारखंड को 10 साल में कितना रुपया दिया, आप आंकड़ा जारी करिए। मुझे मालूम है कि आप आंकड़ा जारी नहीं करोगे, इसलिए मैं ही कर देता हूं। 10 साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया देने का काम यूपीए सरकार ने 2004 से 14 के बीच में किया, और मोदी जी ने 2014 के से 24 के बीच में 84,000 करोड़ के सामने 3,08,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम। जवाब आपको देना है हेमंत सोरेन जी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। ये 3,80,000 करोड़ के अलावे 81,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, 15,000 करोड़ रुपया सड़क निर्माण के लिए और 65,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। मैं आज कहना आया हूं 57 पुराने स्टेशनों का पुनर्विकास मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड के हो रहा है, 9 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है, रांची जमशेदपुर इंटर कॉरिडोर बन रहा है, देवधर बोकारो और जमशेदपुर में हवाई अड्डों का विकास और निर्माण हुआ है, और सबका साथ सबका विकास के सूत्र के साथ बिरसा मुंडा के गांव में देश का प्रधानमंत्री पहली बार जाकर धरती आबा को प्रणाम करने का काम करता है। जवाब तो आपको देना है। आयुष्मान भारत योजना झारखंड से मोदी जी ने लॉन्च की, देश भर के गरीबों का कल्याण करने वाली, रोजगार देने वाली मुद्रा योजना एक छोटे से झारखंड से मोदी जी ने लॉन्च की, और पीएम जनमन योजना जो सालों से पिछड़ी हुई आदिवासी आदिम जातियां थी इनके विकास की योजना भी बिरसा मुंडा से के गांव से मोदी जी ने लॉन्च करने का काम किया। आईआईएम का उद्घाटन रांची में हुआ, आईआईटी का उद्घाटन इसी आधारशिला रखी गई, और बाबा बैद्यनाथ के धाम को प्रसाद योजना के तहत लेने का काम किया गया। 17 जिलों में विश्वकर्मा योजना से कौशल और वित्तीय मदद मिल रही है, और ढेर सारे काम उज्ज्वला योजना आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से इसी तर्ज पर देश के 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, शौचालय, 5 लाख का पूरा बीमा, गैस का सिलेंडर और 5 किलो तक अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं झारखंड की जनता को बताना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई एक राज्य है तो हमारा झारखंड है। झारखंड की 70% आबादी को ये सारे लाभ देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 5 साल तक जो हेमंत सोरेन सरकार चली, वो सरकार ने ढेर सारे ऐसे काम किए जिससे झारखंड की जनता आज उमता गई है। महिलाओं का अपमान, महिलाओं की दुर्दशा, इसके सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम हेमंत सोरेन सरकार ने किया है। झारखंड में नाबालिग लड़कियों की तस्करी, महिलाओं के अपहरण, इसमें पूरे देश में दूसरे स्थान पर आज झारखंड पाया जाता है। और 17 की तुलना में देखें, जब हमने सरकार छोड़ी, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 29% की वृद्धि हुई है, और बलात्कार के मामलों में 42% की वृद्धि श्रीमान हेमंत सोरेन आपके कार्यकाल में हुई है। आप माताओं बहनों की सुरक्षा करने के लिए विफल गए हो। 50 लाख तक की महिलाओं की संपत्ति की रजिस्ट्री हमारी सरकार 1 रुपये में करती थी, आपने वो योजना भी बंद कर दी, और हम फिर से वो योजना आज इंट्रोड्यूस करने चाह रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी, बाकी सारी चीजों का जवाब मत दीजिए, सिर्फ अंकिता हत्याकांड का जवाब दे दीजिएगा तो भी झारखंड की माताओं बहनों को मन में सुकून की प्राप्ति है।
हजारों लाखों की संख्या में झारखंड की बेटियां दूसरी शादी तीसरी शादी कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो, उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है, हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो, भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। हेमंत सोरेन, आप झारखंड प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हो। 5 लाख युवाओं को प्रति साल नौकरी देने का आपने वादा किया था, मैं आपसे लिस्ट मांगने आया हूं, जरा 25 लाख युवाओं तो छोड़ो, 5 लाख का भी लिस्ट आप घोषित कर दो। युवा आपको ढूंढ रहा है, चुनाव में मैदान में जाइए तो मालूम पड़ेगा कितना आक्रोशित है। मुझे ठीक याद है, मैं भी चुनाव के प्रचार में था, आपने कहा था सालाना 5 लाख युवाओं को नौकरी नहीं दूंगा तो पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा छोड़िए, जेल में जाने के कारण पद छोड़ना पड़ा, चंपई सोरेन जी को हटाकर फिर से आप तो वापिस बैठ गए, युवाओं को किया हुआ वादा आपने नजरअंदाज किया है। ढेर सारे पेपर लीक हुए, 11th मैथ्स का पेपर लीक हो गया, डिप्लोमा का पेपर लीक हो गया, असिस्टेंट लैब के पेपर टेक्नीशियन के पेपर लीक हो गए, नगर पालिका की भर्ती का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल का पेपर लीक हो गया और जेपीएससी का सामान्य भर्ती का पेपर भी लीक हो गया, जीएससी का 12वीं क्लास का फिजिक्स और बायोलॉजी का पेपर भी लीक हो गया। आपके संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने इस राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। मगर मैं आज कह कर जाता हूं झारखंड वासियों को कि ये पेपर लीक जितने हुए वो पास्ट हो गया, भाजपा सरकार बना दीजिए, पेपर लीक करने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे और एक पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैंने जैसे कहा ऐसे घुसपैठियों को आपने पनाह दी है, घुसपैठियों में आपको अपनी वोट बैंक दिखाई पड़ती, आप आपकी धुन में मस्त हो। इस राज्य में आदिवासियों की संख्या घुसपैठ के कारण घट रही है, डायमोग्राफी बदल रही है और न्यायालय जब आपको गुहार करता है तब भी आप डिनायल मोड में आ जाते हो। मैं आज झारखंड की जनता को कहना चाहता हूं, ये तुष्टिकरण की राजनीति को बंद कर सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के बाहर निकालेगी और परिंदा भी पैर न मार पाए इस तरह की हम सीमा की रचना करेंगे। आज हेमंत जी यहां बैठे हैं, असम में भाजपा सरकार आई, आज असम से घुसपैठ बंद हो गई है, कोई हिम्मत नहीं करता कि असम से घुसपैठ करने की। हम रोटी बेटी और माटी तीनों का संरक्षण करने का काम करेंगे। झारखंड सरकार ने तुष्टिकरण की अति कर दी है, लोहरदगा में कांवड़ियों पर हमला होता है, रामनवमी के जुलूस में कीर्तन भजन गाने पर प्रतिबंध रख दिया जाता है, सिंहभूम में बड़े पैमाने पर रामनवमी के जुलूस पर पथराव होता है, साहिबगंज में मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जाता है और जमशेदपुर में हिंसक नारे लगाकर
हिंदू झारखंड छोड़ो के नारे लगते हैं। शर्म आना चाहिए आपको, आपको शर्म आना चाहिए। मैं आज फिर से कहता हूं, यहां पर एक ऐसा कानून का राज होगा जिसमें इस प्रकार की हिमाकत करने वालों की जगह कानून के माध्यम से जेल की सलाखों के पीछे होगी, कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। और बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से जो जमीन को हड़प लिया गया है, इसको भी हम मुक्त करेंगे। हेमंत सोरेन सरकार वादा खिलाफी की सरकार रही है, 5 लाख नौकरियां देने का वादा फूस हो गया। स्नातक बेरोजगारों को 5,000 का भत्ता देना था, अब तक नहीं मिला। स्नातक उत्तर बेरोजगारों को 7,000 का बेकारी भत्ता देना था, वो भी नहीं दिया। हर गरीब को 72,000 रुपया खटाखट देना था, वो भी नहीं हुआ। विधवाओं को 2,500 का पेंशन देना था, वो भी नहीं हुआ। चूल्हा भत्ता देने का वादा भी नहीं हुआ। नवविवाहित बहन बेटी को 51,000 रुपया देना था, वो भी नहीं हुआ। और आधार कार्ड पर 50,000 का ऋण देना था, वो भी नहीं हुआ। हेमंत बाबू, किस मुंह से आप युवाओं से, गरीबों से, विधवाओं से, माताओं से वोट मांगने जाओगे, मैं तो समझ ही नहीं सकता। मगर आप झारखंड की जनता को मालूम पड़ गया है कि हेमंत बाबू के शब्दकोश के अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। वो आज भी बड़े शौक से अपनी पत्नी के साथ वोट मांगने जाते हैं। मगर हेमंत बाबू, आपको झारखंड की जनता पहचान गई है। अंतिम मुद्दा करप्शन का है। मैं आज मेरे स्टडी के आधार पर विश्वास से कह सकता हूं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कोई एक प्रदेश में है तो झारखंड में है। इन्होंने इंतहा कर दी है करप्शन। मैं झारखंड की जनता को पूछना चाहता हूं, झारखंड में है कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसने 350 करोड़ एक साथ देखे हो? एक इनके गठबंधन के एमपी के घर से 350 करोड़ पकड़े जाते हैं, आलम के घर से 20 करोड़ से ज्यादा रकम पकड़ी जाती है। मशीन लाए जाते हैं नोट गिनने के, वो भी गर्म हो जाते हैं। पैसा उठाकर ले जाने के लिए टेम्पो ले जाना पड़ता है। हेमंत बाबू जरा बता दीजिए, इतना तो पकड़ा गया है, बाकी का आपका गठबंधन खा गया, ये किसका पैसा है? ये पैसा गरीब आदिवासी का है, पिछड़ा वर्ग की गरीब माता का है, पिछड़ा वर्ग के गरीब युवा का है। अगर ये सारा पैसा आपने करप्शन के माध्यम से आपके चेले चपाटों में बांटा न होता तो आज झारखंड विकसित राज्य बन चुका होता। भाइयों बहनों, झारखंड एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में एक ऐसा राज्य है जो देश का सबसे समृद्ध राज्य है। मैं बेझिझक कह सकता हूं, झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्य है, क्योंकि धरती माता के नीचे इतना खनिज संपदा पड़ा है जिसका मूल्य कोई लगा ही नहीं सकता। मगर झारखंड देश का समृद्ध राज्य है, झारखंडी देश का सबसे गरीब नागरिक है। और ये जो हुआ है वो हेमंत सोरेन की सरकार और इनकी नीतियों के कारण हुआ है। भाइयों बहनों, ये सारी दुविधा से बाहर निकलने के लिए हम हमारा घोषणा पत्र संकल्प के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं। ये संकल्प पत्र, उसमें से कुछ संकल्प मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दीपावली और रक्षाबंधन में एक एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा, किसी को ज्यादा पैसा देंगे। 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगारों का हम सृजन करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। झारखंड के युवाओं,
आप इसको हेमंत का वादा मत कहना, 5 वर्ष पूरा होने के पहले मैं खुद आऊंगा और 5 लाख रोजगार का हिसाब झारखंड की जनता के बीच में देकर जाऊंगा। 2,87,500 करीब करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इसकी भर्ती की जाएंगी और इसका परीक्षा का एक समेकित वार्षिक कैलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जारी करेगी और हर साल जैसे मैंने 5 लाख कहा, हर साल 1 लाख झारखंडी युवा को हम रोजगारी के अवसर प्रदान करेंगे। हम झारखंड में हर स्नातक और स्नातक उत्तर युवा जो अपने करियर बनाने के लिए संघर्षरत है उसको हर महीने 2,000 रुपया युवा साथी भत्ता देंगे। ये 2,000 रुपया आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है मगर आपको रोजगारी प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो तो कम से कम आपके माता पिता के साथ न लेना पड़े। ये सम्मान आपका करने के लिए 2,000 रुपया हम प्रति माह आपको देंगे। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में कुशासन के कारण आवास नहीं मिल पाया है, हम वादा करते हैं हर गरीब को 5 साल में पक्का मकान पूरा करने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। 21 लाख घर पीएम आवास का और ये जो आपकी निष्क्रमणीयता के कारण नहीं हुआ है उसको हम तुरंत पूरा करेंगे। झारखंड में सरकारी पदों की नियुक्ति में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों को न्याय देंगे, न केवल भविष्य के लिए पुराने जो पेपर माफिया है सीबीआई जांच कराकर एसआईटी की जांच कराकर उनको जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की नई बनने वाली सरकार करेगी। हम अवैध घुसपैठ को रोकेंगे और सख्त कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित कर दान में जो भूमि हड़प कर बैठे हैं वो सारी भूमि फिर से एक बार झारखंड की आदिवासी बेटियों के नाम पर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगे। फिर से एक बार 1 रुपये की स्टैंप ड्यूटी योजना हम शुरू करेंगे। बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यवसायिक कार्यक्रमों में निशुल्क शिक्षा झारखंड की बेटियों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेंगे। हम झारखंड में विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करेंगे और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पुनर्वास आयोग भी निश्चित करेंगे। हम आदिवासी सम्मान और अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल का विकास करेंगे और अनुदान और सहायता देंगे। हम जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा का एक भव्य स्मारक बनाएंगे, दुमका में सिद्धो कान्हो का स्मारक बनाएंगे, पलामू में नीलांबर पीताम्बर का स्मारक बनाएंगे, लोहरदगा में बुद्धू भगत का स्मारक बनाएंगे, जगन्नाथपुर में पोटो हो और गुमला में तेलंग खड़िया का स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। इसके साथ साथ विनोद बिहारी महतो, बख्तर साय और भजन राम बड़ाई का भी स्मारक बनाकर सभी समाज का सम्मान करने का काम हम करेंगे। आज मैं एक अपप्रचार हेमंत सोरेन एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकार और उनके कानून समाप्त हो जाएंगे। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा, हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे, कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। मातृत्व सुरक्षा योजना, 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता हम प्रदान करेंगे। 10 नए मेडिकल कॉलेज
युवाओं के लिए बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना, जीवन धारा योजना में जो 5 लाख मिल रहा है उसको हम 10 लाख तक बढ़ाएंगे। अगर घर में 70 से ज्यादा आयु वाला बुजुर्ग है तो ये राशि को 15 लाख तक बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सीएचसी, पीएचसी और सरकारी अस्पतालों में हम 25,000 नए बेड उपलब्ध कराएंगे और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करेंगे और जितना भी पैसा ये इंडी अलायंस वालों ने, घमड़िया गठबंधन ने खाया है, इसकी एसआईटी बनाकर जांच कर सारों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की। अवैध खनन को हम असंभव बनाएंगे। 181 सीएम संवाद हेल्पलाइन जो हेमंत बाबू ने बंद करी है उसको हम चालू करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए मुखियाओं का मासिक वेतन हम 5,000 करेंगे और ऑपरेशन सुरक्षा के तहत 24 घंटा टोल फ्री हेल्पलाइन करेंगे और विशेष सहायता पुनर्वास कोष की भी हम रचना करेंगे जो हमारी बेटियों को सुरक्षित करेगा। झारखंड को गौ तस्करी से पूर्णतया मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम धान की खरीदी किसानों के लिए बड़ा अच्छी घोषणा भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। हर किसान का एक एक दाना 3100 रुपया क्विंटल के दाम पर हम खरीद करेंगे और 48 घंटे में किसान को पेमेंट देने का काम करेंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण करने के लिए हम किसी का भी आरक्षण कम करे बगैर पिछड़ा वर्ग को सम्मान दिलाने के रास्ते भी ढूंढेंगे। डायमंड एक्सप्रेस वे बनाने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर छोटे मदले टोलों को भी समाहित करते हुए 25,000 किलोमीटर नए रोड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सेट, नीट, आईआईटी, आईएएस, जेएएस, बैंकिंग की कोचिंग के लिए 20,000 की स्कॉलरशिप और मुफ्त प्रीमियम ऑनलाइन पाठ्यक्रम झारखंड की भाजपा सरकार करेगी और उच्च अध्ययन के लिए 10 लाख रुपए तक की लोन का पूरा ब्याज का बोझ हमारी झारखंड की सरकार निर्वहन करेंगी। देश के हर प्रमुख शहर में झारखंड जोहार भवन स्थापित करेंगे जो झारखंड के प्रवासियों को सस्ते दर पर अच्छी सुविधा के साथ अपने व्यवसाय के लिए रहने का काम करेंगे। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग के पेंशन को हम 25,000 तक बढ़ाएंगे। आदिवासी ब्लॉक में प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र स्थापित करेंगे। बड़े आकार की लैंप्स का एक बड़ा जाल बुना जाएगा और पूरे वन उत्पादों की खरीदी, जिसकी सूची बहुत लंबी है, भाजपा की झारखंड की सरकार करेगी। पेशा का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर मुखिया और पंचायत राज संस्था को हम सशक्त बनाएंगे। हम झारखंड इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग चालू करेंगे जो 5 लाख युवाओं के लिए 1 लाख की वार्षिक वित्तीय सहायता के साथ काम करेगा। आईआईटी को हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से उन्नत करेंगे और हम प्रमुख देवी मंदिरों को जोड़ने वाले 5 देवी मंदिरों की भगवती सर्किट बनाएंगे। बाबा वैद्यनाथ और बाबा वसुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र को हम एकदम अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाओं के साथ उसका विकास करने का काम करेंगे। इको टूरिज्म की हम राजधानी झारखंड को बनाएंगे और इसके साथ साथ मैं थोड़ी बात भाषाओं के लिए भी करना चाहता हूं कि हम इतना सुनिश्चित करेंगे कि झारखंड के अंदर जितनी भी बोली जाने वाली भाषा है वो सारी भाषाओं को हो,
मुंडारी, कुरुक, कुड़माली, भूमिज और सदरी को हम झारखंड राज्य की स्कूलों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में इसका प्रयोग बढ़ाएंगे। इसमें से कुछ भाषाओं को झारखंड की अधिकृत भाषा भी बनाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि आठवीं अनुसूची में इसमें से सारी भाषाएं समाहित हो जाए, इसका झारखंड सरकार पूरा प्रयास करेगी। इन भाषाओं को विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम बनाने का भी हम प्रयास करेंगे और आदिवासी भाषाओं पर व्याकरण और शब्दकोश को तैयार करने के लिए हम कुड़मी भाषा के लिए भी एक विद्वानों का समिति बनाएंगे। भाइयों और बहनों, इसके अलावे भी हमारे घोषणा पत्र के अंदर ढेर सारे वादे हैं। हमने शिवराज जी, हेमंत जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने 5 वादे किए जो प्रमुख वादे हैं। ये 5 वादों के माध्यम से हम झारखंड का सर्वांगीण विकास करने के लिए कटिबद्ध है। मैं झारखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 5 साल में ऐसा झारखंड बनाएंगे कि झारखंड में से किसी को भी मजदूरी करने के लिए झारखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। झारखंड का युवा अपनी युवा पत्नी और बूढ़े माँ बाप के साथ रहकर अपना जीवन यापन कर पाएगा। झारखंड के अंदर जो खनिज संपदा पड़ी है, वो खनिज संपदा का पूरा उपयोग झारखंड के विकास के लिए होगा। खनिज संपदा के आधार पर उद्योगों को लाकर हम रोजगारी को भी बढ़ाएंगे और खनिज संपदा के उत्खनन से आदिवासी कल्याण का जो काम इन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया है, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अटल जी ने बड़े सपनों के साथ झारखंड की रचना की थी। 2014 में मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से झारखंड को विकास के पटरी पर चढ़ाया था। ये 5 साल इनकी सरकार ने झारखंड को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असुरक्षा और घुसपैठ का माध्यम बनाया है और ये लोग कई सारे अपप्रचार करें, सहारा के लिए वो अपप्रचार करें। मैं पूछना चाहता हूं, हेमंत बाबू, आपकी 10 साल सरकार रही, 4 से 14, क्या किया आपने? अभी 5 साल आप सत्ता में रहे, सहारा के लिए क्या करा? मैं आज झारखंड के सहारा के इन्वेस्टर को कहता हूं, सहारा कोऑपरेटिव में जितने भी वैध इन्वेस्टमेंट करने वाले नागरिक है, उसकी पाई पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस दे। सहारा कोऑपरेटिव में जितने भी वैध इन्वेस्टमेंट करने वाले नागरिक है, उसकी पाई पाई होंगे। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि यूसीसी से हमारे आदिवासी भाइयों का कोई अधिकार, कोई कानून, कोई परंपरा बाधित नहीं होगी। आदिवासी भाइयों, बहनों को, बच्चों को, युवाओं को यूसीसी से पूर्णतया बाहर ला दिया जाएगा, परंतु यूसीसी होगा ही होगा, क्योंकि ये भी एक बढ़ती हुई आबादी रोकने का कारण है, आदिवासियों की आबादी को प्रोटेक्ट करने का एक जरिया है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो हमारी भोली भाली आदिवासी बहनों से दूसरी तीसरी शादी कर उनकी भूमि कब्जा लिए हैं, आपका समय समाप्त हुआ। भाजपा सरकार बनते ही उल्टी गिनती शुरू होगी, सबको भूमि फिर से वो आदिवासी बच्ची को, बहन को, माँ को वापिस देनी पड़ेगी और घुसपैठ हम रोक करेंगे। मैं झारखंड की जनता को अपील करना चाहता हूं कि आप सब एक बार मोदी जी के नारे पर, मोदी जी की गारंटी पर और डबल इंजन सरकार पर विश्वास कर झारखंड में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। यही मेरा आप सबसे अपील है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये हमारा संकल्प पत्र जो है, ये सिर्फ वादे नहीं है, एक एक संकल्प हमारा पत्थर की लकीर है जो पूरा होगा।
और झारखंड को हम फिर से एक बार समृद्ध बनाने के आंदोलन में जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।